मेरा नाम जमीला बेगम है, मैं बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम करती हूँ, महिला डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, महिलाओं के घरेलू हिंसा के ऊपर काम करती हूँ और ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती हूँ, घर के अधिकार के ऊपर काम करती हूँ और जो भी बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं वो जो उन बच्चों को पढ़ाने का काम करती हूँ। खुद मैं टेलर होने के नाते मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, तो मुझे किसी को पति के पास या ससुराल के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं अपने खुद की मेहनत की कमाई से मैं ड्रॉप आउट बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाती हूँ। अभी जो सेंसस होने वाला है, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता था और सामान्य सवालों के साथ में सेंसस होता था, लेकिन इस बार सेंसस के साथ साथ NPR को जोड़कर 5-6 सवाल ज़्यादा जोड़ दिए गए हैं। वो हमारी नागरिकता को लेकर है, हमारे माँ बाप के जन्म दाखिलों को, जन्म डेट को लेकर है और हम कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से हमारी पैदाइश है, हमारे माँ बाप की कहाँ से पैदाइश है, ये बहुत सारे सवाल इसके अंदर हैं। तो ये सवालों के साथ अगर हम देश की इतिहास को जोड़कर देखते हैं तो पिछले 70 सालों पहले तो हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के पहले 200 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, वहाँ हमें ना शिक्षा ढंग से मिली है, ना रोज़गार ढंग से मिला है, ना कुछ। आज़ादी के बाद जब पूरा हमारा देश की जो सरकार है, जो कुछ भी काम करी है, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है और महिलाओं को इसके ऊपर, दलितों को और आदिवासियों को, शहरी गरीबों को, शहर में आने वाले लोगों को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो सरकार CAA और NRC के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स NPR को जोड़कर मांग रही है वो है 1987 या तो 1971, ये दोनों। उन्होंने अभी तक कोई तारीख का डिक्लेरेशन किया ही नहीं है, फिर भी हम अंदाज़े असम का अगर लगाते हैं तो उस तरीके से भी देखने जाते हैं तो हमारे आदिवासियों के पास, महिलाओं के पास अभी तक वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, ना बैंक का अकाउंट है, ना ही उनका कोई आधार कार्ड भी बना है बहुत बड़े तबके में। और शहरों की बात करते हैं, गाँवों की अगर बात करते हैं, गाँव में कितने तो किलोमीटर पर शहर रहता है तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए। और महिलाओं की बात करें तो लड़कियां, जो जवान लड़कियां शादियां कर कर आती हैं तो मायके में कोई और नाम रहता है, ससुराल में आने के बाद वो अपने पसंद का नाम रखकर आइडेंटिटी बदल देते हैं, उसका भी असर इसके ऊपर पड़ेगा। शहरों में जो लोग गांवों से आते हैं अपना, अपने जो छोटे छोटे सपने लेकर जो पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार का ध्यान रखने, माँ बाप का इलाज करवाने के लिए, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे शहरियों पर ऊपर ये कितना असर होता है। शहरों में जब भी गरीब आकर बसता है तो उसके घर हमेशा तोड़े जाते हैं, गरीब बस्तियों में भी रहता है तो अलग अलग कानून निकाल कर उनकी ज़मीन छीनने के लिए, या सरकार बिल्डरों को ज़मीन देने के लिए, या कोई शॉपिंग मॉल खड़ा करने के लिए, या बस डिपो बनाने के लिए, या तो फिर कोई रोड निकालने के लिए, अलग अलग तरीक़ों से एविक्शन उनका होते रहता है, उनके घर टूटते हैं। और घर टूटने के बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स BMC तो या तो लेकर जाती है या तो आगे लगा देती है, या बहुत बार हो चुका है, और वो जब बुलडोजर आता है तो पूरी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स ज़मींदोस्त हो जाते हैं और कुछ बचते नहीं हैं। उनको स्कूल में दाखिला लेने के लिए भी उनको संघर्ष करके एक एफिडेविट जमा करना पड़ता है, तब जाके शिक्षा का भी उसको अधिकार मिलता है। इस तरीके के सामने हमने शहरों में किए हैं, मुंबई शहर में खास करके पिछले 20 सालों में हमने घर के अधिकार को लेकर जो लड़ाई लड़े हैं, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के तहत, NAPM के तहत हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। डॉक्यूमेंट का मसला, जो कागज़ों का मसला हमेशा हमारा सामने रहते गए, और कितने तो बार कागज़ों को लेकर हमारे बस्तियों को ज़मीन दोस्त किया गया, संघर्ष कर कर के लोगों ने अपने अपने ज़मीनों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगर इस कानून का अगर पालन देश में या शहरों में या गाँवों में, आदिवासी इलाकों में अगर होता है तो जंगल के नाम पर, प्राइवेटीकरण के नाम पर आदिवासी ज़मीन छीनी जाएगी, उनके अधिकार छीने जाएंगे, उन लोगों को आइडेंटिटी ना रहने की वजह से डिटेंशन सेंटरों में भेज दिया जाएगा,
और शहरों की बात और गांवों की बात करेंगे तो लोगों के पास पुरावे नहीं होंगे, लोग साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शहर में वही आता है जिसके पास गांव में ज़मीन नहीं होती है, या सूखा पड़ता है, या उसकी ज़मीन वो मजदूर होता है, तो ऐसे लोगों के पास पुरखों की वो लोग कोई कागज़ नहीं दिखा सकते हैं। भारतीय होने का तो सबूत हमारे खून के अंदर ही है, हम सब ने मिलकर तो देश को आज़ादी दिलाई है, अंग्रेज़ों से हमने लड़े हैं, और हमारे दादाओं के हमारे पुरखों के सबके नाम दिल्ली में भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये सरकार कैसी पागलपंती कर रही है समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी समझ में सरकार को नहीं आ रहा है कि इस देश के पैदाइश होने के नाते हमें क्यों जेल में डालेंगे, ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे देश के लोगों को आप डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक बार सोचो, आप 5 साल की सरकार हो, हिटलर शाही अगर करके 5 साल में आप जितना भी अत्याचार करोगे, लेकिन जब जनता आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी तो आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। सरकार है जब तक ही आपकी सुनेंगे, सरकार जब आपकी गिर जाएगी तो आपको भी तो इसी देश में रहना है। अगर सारे भारतीयों ने अगर तुम्हारा विरोध करना शुरू कर दिया, तुमने जो कानून लेकर आए हैं उस कानूनों के तहत तुम्ही को बाहर निकालने का, और तुम्हारे माँ बाप दादाओं के डॉक्यूमेंट, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी तक उन्होंने स्कूल के उनके कॉलेज के सर्टिफिकेट घूम गए हैं, मिले नहीं हैं, वो भी वो उन्होंने देश के सामने रखनी चाहिए। और राफेल घोटाले की फाइल जल गई है, उसको कैसे जल गई है, हमारे भी डॉक्यूमेंट्स घरों को आग लगा कर जब सरकार तोड़ने आती है तो जल जाते हैं ना, वैसे ही हमारे भी जल गए हैं। तो जब आप नहीं साबित कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, तो हम कहां से देंगे भाई। सरकार तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था, पैसा, सारी चीज़ें तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम उन डॉक्यूमेंटों का हिफाजत नहीं कर पाए, तो हम तो गरीब लोग हैं। हर बार कहर बरसते रहती है, कभी बाढ़ आती है, कभी बारिश आती है, तो गांव शहर के शहर भर जा रहे हैं, यहाँ पूरे के पूरे शहर डूब के चली जा रहे हैं। तो ऐसे जगह पर ये प्राकृतिक कृत्य आने वाली मुसीबतों का सामना भी हम कर रहे हैं। ये अलग से काला कानून लेकर आके लोगों की मानसिकता को ख़राब करना, लोगों को नींद से हराम करना, इस कानून की वजह से सारे लोग आज सड़क पे हैं, ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। इस कानून को वापस ले लेनी चाहिए बड़े ही इज्जत से। मैं तो चाहती हूँ हर बस्ती के लोग, हर शहर में रहने वाले हर वर्ग के लोग, ये कोई अमीर गरीब वकील या तो फिर जज या फिर इंजीनियर, अलग अलग सेक्टरों में, बड़े बड़े सेक्टरों में काम करने वाले लोगों को भी इफ़ेक्ट करने वाले हैं। आप भले ही इस पीढ़ी में आप CA बने होंगे, इस पीढ़ी में वकील बने होंगे, इस पीढ़ी में जज बने होंगे, जब आपके माता पिता ने मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भले ही तुम्हें बख्शेंगे लेकिन उनको नहीं बख्शेंगे, उनको भी अगर नागरिकता अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो उनको भी डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, या तो ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ेगा, या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो आपको भी जेल में जाना पड़ेगा। तो ये लड़ाई किसी एक गरीब व्यक्ति की, या महिला की, या बच्चे की, या आदिवासी की, या शहर की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश के लोगों के गरिमा की है, ये लड़ाई हमारे देश के संविधान को बचाने वाली है, संविधान में लिखे हुए हमारे कानूनों को बचाने वाली है। जो संविधान आज तक हमारे देश को शांतिपूर्वक चलने दे रहा था, उस संविधान को इन लोग चुनौती दे रहे हैं, ये गलत है, और ये गलत तो देश के लोग होने नहीं देंगे। खास करके हम अलग अलग बस्तियों में जाकर हम अपना भी जिम्मेदारी निभाएंगे, इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारे लिए जो पूंजी रख कर गए हैं इस देश की और देश के संविधान को, हम हनन होने नहीं देंगे। हम जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, हम घर घर जाकर हमारे लोगों को बताएंगे इस कानून से होने वाली नुकसान क्या है, और हम जिस तरीके से आप चैलेंज करते हैं मिसल कर दो CA के सपोर्ट में, आप घर घर कैंपेन करेंगे CA के सपोर्ट में, तो हम बस्तियों के, शहरों के, गांवों के रहने वाले लोग, हम भी कैंपेन करेंगे, हम भी आपको बताएंगे कि आपके कैंपेन से भी तेज़ हमारा कैंपेन होता है, क्योंकि हम देश के लोग हैं, देश में रहने वाले हैं,
और घूमने वाले लोग हैं, मेहनत करके इस देश को बनाने वाले लोग हैं। हम नहीं होंगे तो एक बिल्डिंग भी नहीं खड़ी होगी, एक घर की भी ढंग से साफ सफाई नहीं होगी आप जैसे बड़े लोगों की। ये समझ लीजिए, कैंपेन हम भी करेंगे, सामना हम भी आपका करेंगे, आपको कानून को वापस लेना पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा। आप कहते हो कि 3 तलाक बोलने वाले पति को जेल में डाल देनी चाहिए, आप कहते हो कानून ऐसे बनाए हो महिलाओं के लिए, रोड पे अगर हम जा रहे हैं अगर कोई आदमी भी हम पर घूर कर देखता है तो आप जेल में डाल सकते हो। अरे हमने आप पर भरोसा किया, आपको वोट दिया, आपको गद्दी दिया, पूरी देश की व्यवस्था, देश की सुरक्षा हमने आपके हाथ में रखा, तो आपने हमारे साथ में क्या किया? आपने हमारे साथ में 400 BC किया, धोखा दिया आपने हमारे साथ। आप हमको बिना पूछे आपके मन में आएगा वैसे कानून लेकर आते हैं, रात दिन में आप लोग, रात में भी आप कानून लेकर आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि देश के लोगों को पूछना चाहिए सही है कि गलत है? जिस देश के लोगों ने आपको उस पदवी पर बिठाए हैं, उस मुकाम तक पहुँचाए हैं, उनकी इज्जत ही आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर कौन सा केस लगानी चाहिए? आपने हमारे साथ में धोखा किया है, आपने हमारे वोट लिए हैं। आपको अगर ऐसे कानून लाना था, मुस्लिमों को पूरी तरीके से देश से निकालना ही था, आपका मंशा था, तो फिर आपको मुसलमानों का वोट लेना नहीं चाहिए था। हमें आपके खिलाफ FIR करनी चाहिए। आपकी वजह से इस देश की महिला होने के नाते मुझे मानसिक टेंशन हो रहा है। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे बोलने पे 10 लोग सुनते हैं, मानते हैं। अगर आप मुझे इतना टेंशन देंगे तो मैं उन 10 लोगों के लिए काम कैसे कर सकती हूँ? उन बच्चों के, मैं शिक्षा के ऊपर काम करती हूँ, वो दलित बस्ती में रहती हूँ तो दलित बच्चियों के लिए मैं काम करती हूँ, मैं उनके लिए कैसे सोचूँ? आप इस तरीके से मेरे जैसे इस देश के हर महिला के ऊपर टेंशन है। आपने कहा महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपने नया साल का तोहफा दिया 1900 रुपये का आपने गैस बढ़ा दिया, हम खाना कैसे बना के खिलाएंगे? आप जब से सरकार थी कांग्रेस की तो 350 रुपये सिलेंडर था, आपकी सरकार आई तो 1100 तक सिलेंडर चली गया, अभी थोड़ा कम होकर अभी 700 रुपये सिलेंडर आया। तो इस तरीके से आप आधे का आधा बढ़ा दिया आपके सरकार में। आप दूसरा कहते हो कि हम विकास कर रहे हैं, हमारे पैसे लेके आपने बैंक में रख लिया, 3000 रुपये अगर नहीं रखेंगे तो 125 रुपये 3 महीने का कटता है, पहले तो 1 महीने में 1 बार कटता था। ये कहाँ का तुम्हारे पास इंसाफ है? तुमने देश का पैसा लूट के क्यों रख लिया? तुमको क्या हक था? तुमने हमको पूछा कि हम ऐसा कानून लेकर आ रहे हर बैंक में 3000 रुपये रखना ही पड़ेगा? तुमने पहले बोला, सबसे पहला झूठ ये बोला कि तुम 0 बैलेंस में खाता खोलो और तुमको हम लोन देंगे और रोजगार चालू करो। पहले 0 बैलेंस का खाता खुलवाया, फिर ये हम लोगों को बैंक से दबाव आया कि आपको पैसा रखना ही पड़ेगा वरना आपका खाता बंद हो जाएगा। हमें रखना ही पड़ा पैसा, मतलब आपने धोखे पे धोखा दिया। इसका भी तो आपके ऊपर 420 का केस लगनी चाहिए। तो इस तरीके से कांदे का भाव 130 रुपये से 150 तक हो गया, जब 60 रुपये दाल हो गई थी तो आपकी पूरी सरकार रोड पे उतर गई थी। वो स्मृति ईरानी टीवी में आकर बहुत परिवार के बारे में दिखाती है। अभी उतरना भाई हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए तो उतर, सिलेंडर लेके घूमती थी, भाजी लेकर रहती थी, आज भाजी 20 रुपये एक तीसी गड्ढी हो गई है। सिलेंडर का भाव बढ़ गया है, कांदे का भाव बढ़ गया है, दाल का भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया है, हर चीज़ का भाव बढ़ गया है। अब कहाँ हो तुम स्मृति ईरानी जी? खाली टीवी में दिखना अच्छा लगता था परिवार के साथ में, अब ज़मीन पे उतरो और देखो देश की महिलाओं की हालत क्या है। उनका बजट खराब हो गया है, जो 10-20 रुपये बचत करके बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के दवा खाने के लिए, बच्चों के खाओ के लिए रखती थी, सब बजट उनका सत्यानाश कर दिया इस सरकार ने। रोजगार के ऊपर बात करो, नौकरियों के ऊपर बात करो, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करो। आपकी सरकार में तो 4-4 साल के बच्चियों के ऊपर बलात्कार होता है, कैसे तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? कैसे शर्म नहीं आती है हमारी सरकार के ऊपर कि
कभी नहीं चलता था ये सब, 8-8 साल की बच्चियों पे बलात्कार होता है, 4-4 साल 1.5-1.5 साल बच्चियों पे बलात्कार होता है, महिला बाहर नहीं जा सकती है, पढ़ी लिखी महिला भी बाहर नहीं जा सकती है, आदिवासी महिला भी बाहर नहीं जा सकती है, और बस्तियों में रहने वाली महिला भी बाहर नहीं जा सकती है। इतना अत्याचार क्यों? क्या आपकी सरकार की व्यवस्था सुरक्षा ठीक नहीं है? क्या आपको पैसे की कमी है? आपने तो डिमोनेटाइजेशन करके पूरा देश का पैसा तुम्हारे पास तो रख लिया है, अब पूछते थोड़ी हो हमको कि तुम कुछ क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए तुम ध्यान दो, देश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। भले आपको बेटी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास बेटी है, मुझे फिक्र है मेरी बेटी की, मैं कैसे उसको स्कूल भेजूँ? आप बोलते हो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है मैं पढ़ा भी लिया बढ़ा भी लिया डॉक्टर बना दिया, कल को 4 गुंडे आ जाएंगे उसको उसके ऊपर अत्याचार करेंगे तो मैं किसका सहारा लूँ? 4 जन को मारने से हमको न्याय मिल गया? उनका एनकाउंटर करते ही हमें न्याय मिल गया? हम लोग इतने सारे लोग रोड पे उतरे थे, हमारे लिए कोई अलग कानून चाहिए था, सच्चाई जानना चाहिए था, किस हालातों में ऐसा होता है, क्या मानसिकता खराब हो गई है, क्यों खराब हो रही है ऐसी मानसिकता, ये समझना था तुमको। समझे बगैर तुमने एनकाउंटर करवा दिया तो हमारे हाथ में क्या दिया, तुमने और एक रास्ता खोल दिया इन गंदे नीति रखने वाले लोगों के लिए, कि आज अगर कोई पैसे वाला किसी लड़की के साथ में, किसी आदिवासी के साथ में, किसी गरीब के साथ में अत्याचार करेगा, उसको घासलेट डाल के जला देगा। आपके हाथ में सत्ता है, इसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये देश आपके ऊपर भरोसा किया है, आज भी हम भरोसे पे ही हैं। आपको संविधानिक अधिकारों के साथ लोगों को जीने देना चाहिए, संविधान का अपमान नहीं करनी चाहिए। आपने कानून असंवैधानिक तरीके से लाए हो, इसको आप वापस ले लो। मैं तो आभार मानती हूँ उन 10 राज्यों का जिन्होंने CAA और NPR NRC का विरोध किया है। केरल का तो हम सलाम करते हैं, उन्होंने हिम्मत जुटाई है CAA के खिलाफ, उसी तरीके से केरल ने NPR और NRC का भी खिलाफ होना चाहिए। और अलग अलग राज्यों में जो हिम्मत जुटाकर कह रहे हैं कि हम इस कानून को हमारे राज्य में लागू नहीं करेंगे, हमारी आशा है महाराष्ट्र सरकार की ओर भी कि वो भी हमारे लोगों के साथ रहेगी, और रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए क्योंकि संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि ये महाराष्ट्र है। तो वो अगर CAA का सपोर्ट करती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की ज़मीन के साथ में गद्दारी करने जैसा हो जाएगा, और उनका जो कुर्बानी है वो गलत राह पे चली जाएगी। मुझे आशा है महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे जी से और आदित्य ठाकरे जी से, बाकी मंत्रिमंडलों से, वो पूरी तरीके से इस कानून का विरोध करके और सरकार के मुंह पे तमाचा मारेगी केंद्र सरकार के, और लोगों को उनका अधिकार संविधानिक तरीके से देगी और महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करेगी, और महाराष्ट्र के मिट्टी से आए हुए क्रांतिकारियों की मेहनत को पानी में नहीं जाने देगी।